हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं सिर्फ 2 मिनट में गाइस। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए अपना यूट्यूब ओपन करना होगा। यूट्यूब ओपन करने के बाद गाइस देखिए, आपको सामने कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आ जाता है गाइस। तो देखिए गाइस, आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है गाइस। देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर में आपकी प्रोफाइल दी गई है, उसमें क्लिक करने के बाद गाइस देखिए, आपको उसके आपका जो अकाउंट है उसका नाम होगा लिखा होगा, आपका जीमेल होगा लिखा होगा। अगर गाइस देखिए, आपका जो जीमेल यूज़ कर रहे हो उसी में अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो गाइस आप उसमें बना सकते हैं, या फिर अगर आपको गाइस देखिए दूसरा जीमेल अकाउंट बनाना है तो गाइस अगर आपको दूसरे जीमेल अकाउंट में बनाना है गाइस तो आप दूसरा जीमेल अकाउंट बना लीजिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। वैसे मैं तो कहता हूँ सेपरेट ही बना लीजिए। तो देखिए गाइस, ये मेरा जीमेल अकाउंट ये देखिए यहाँ पे है। तो देखिए उसके नीचे ऑप्शन है योर चैनल, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको ये नाम अगर पूछेगा कि आपके चैनल का नाम क्या रखना चाहते हो, तो गाइस देखिए मैं अपने चैनल का नाम रख देता हूँ इंडियन यूट्यूबर। फिर गाइस देखिए मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ। फिर गाइस देखिए पिक्चर के लिए बोलेगा, तो गाइस देखिए पिक्चर पे मैं इसमें क्लिक करता हूँ। चूज फोटोज फ्रॉम योर फोटोज, फिर गाइस देखिए मैं अपने फेवरेट हीरो की पिक्चर रख रहा हूँ। फिर गाइस देखिए मैं सेव कर देता हूँ अभी से। सेव करने के बाद गाइस देखिए अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है गाइस क्रिएट चैनल, उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो अब देखिए गाइस, ये हमारा चैनल बन चुका है। यहाँ पे गाइस देखिए लिखा हुआ है नो सब्सक्राइबर नो वीडियोस। तो गाइस देखिए, अब आपको चैनल एडिट करने के लिए आपको देखिए गाइस ये एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप देखिए पेन पेंसिल क्या है, तो ये एडिट का ऑप्शन ही है गाइस। देखिए इसमें आपको क्लिक करना है। फिर गाइस देखिए यहाँ पे आप फोटो ऐड कर सकते हो, अपनी कवर फोटो, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो गाइस। और यहाँ पे गाइस देखिए आप अपने सब्सक्राइबर भी प्राइवेट कर सकते हो। तो गाइस अब आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है, और आपको वीडियो अपलोड करने के लिए गाइस देखिए आप सबसे नीचे में आपको प्लस में क्लिक करना होगा। थैंक यू।